प्रश्न संख्या तीन है, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सारणी दी हुई है और कुछ स्थान खाली हैं, हमें उन खाली स्थान को भरना है। पहले पार्ट में देखिए, आधार दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें पता नहीं, खाली दे रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां से हमें ये पता है कि ये जो ऊंचाई हमें वो निकालनी है समांतर चतुर्भुज की। तो बच्चों, आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ऊंचाई निकालना बहुत आसान है। क्षेत्रफल को भाग दे दो आधार से, ऊंचाई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई गुना आधार या आधार गुना ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो ऊंचाई हो जाएगी क्षेत्रफल भाग आधार। यहां पर हमें देखिए, आधार नहीं दिया हुआ, ऊंचाई दी हुई है, यहां आधार निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को भाग दे देंगे ऊंचाई से। वही काम सी पार्ट में करना पड़ेगा हमें, क्षेत्रफल को भाग देंगे ऊंचाई से। डी बिल्कुल एक ही तरह है, आधार दिया हुआ, ऊंचाई निकालनी है, क्षेत्रफल को आधार से भाग दे देंगे, ऊंचाई आ जाएगी। ए पार्ट है, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई बतानी हमें। देखो बच्चों, हमारे पास सूत्र था क्षेत्रफल निकालने का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल को भाग देंगे आधार से, ये हमारे पास आ जाएगा, दो से काट दो, दो से काट दिया, 123 बटे 10, 12.3। तो ऊंचाई आ जाएगी 12.3। सेकंड पार्ट में क्षेत्रफल को भाग देंगे ऊंचाई से, भाग दे देंगे इसको, 15 से काट देते हैं, 15 एकम 15 15 45, 10.3 ये आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या किया है, 154.5 को 15 से भाग किया है। तीसरे पार्ट में क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई दी हुई है, आधार बताना है, ऊंचाई से भाग दे देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 8 32, 12.18, इसको भाग देंगे 4 से, 21 आएगा, 1218/21, 3 से भाग देंगे, 7 से काट देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5.8। डी पार्ट में हमें ऊंचाई बतानी है, तो हम 16.38 को भाग दे देंगे 15.6 से, 2 से काट लेते हैं पहले, ऊपर आएगा 2 8 16, 2 1 2, 2 2 18, नीचे 2 7 14, 2 8 16, 7.8, 3 से काट लेते हैं, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1.05, 1.05 भाग दिया हमने सिर्फ, क्षेत्रफल को आधार से भाग दिया 1.05। तो इस तरह से बच्चों हम इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, कहीं पर त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है। ध्यान आपने ये रखना है कि यहाँ पर दिया हुआ हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। इस प्रश्न को हम बिना सारणी के हल करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट में देखो, हमें आधार दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आधार है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 87 वर्ग सेंटीमीटर। हमें यहां पर ऊंचाई बतानी है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम और आराम से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, उसको रख देते हैं बराबर, 1/2 गुणा आधार, आधार हमें दिया हुआ है 15, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को हमने मान लिया h, क्योंकि ऊंचाई हमें निकालनी है। यहां से हम हल करेंगे बच्चों, हमारे पास आएगा 87 बराबर 15 गुणा h 15h/2। यहां से r पर गुणा कर देंगे, r पर गुणा करने पर 15h की गुणा होगी 1 के साथ, 15h बराबर 87 गुणा होगी 2 के साथ, 87 गुणा 2, इस तरह से होती है r पर गुणा, ऊपर वाले के नीचे से इस तरह से। यहां से हमारे पास बच्चों 15h बराबर आएगा 87 गुणा 2, 174, h बराबर हो जाएगा 174/15, इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 3 से काट देंगे इसको, 11.6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी ऊंचाई। दूसरे पार्ट में बच्चों हमें ऊंचाई दी हुई है 31.4 मिलीमीटर,
त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है हमें 1256 वर्ग मिलीमीटर। हमें यहां पर निकालना है त्रिभुज का आधार। आधार को हम क्या माने, बी मान लेते हैं। आप मानना चाहो तो मान लो, नहीं आधार को आधार रखो, आपकी मर्जी है। यहां से बच्चों देखो, हमारे पास हम सूत्र लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 31, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 1256 बराबर 1/2 आधार हमें निकालना है, बी मान लिया, ऊंचाई दी हुई 31.4। इसको बच्चों हल करेंगे, 1256 बराबर होगा, दशमलव हटा देंगे, ऊपर आएगा 314 गुणा बी बटे, नीचे 2 था दशमलव हटा दिया हमने, दशमलव का 1 और 1 0 10 आ जाएगा नीचे, इसको 2 से काट देंगे, 157। 1256 बराबर 157 बी बटे 10 आर पार गुणा, 157 बी बराबर 1256 गुणा 10, यहां से बी हो जाएगा 1256 गुणा 10 बटे 157, ऊंचाई आ जाएगी 80 मिलीमीटर। तीसरे पार्ट में बच्चों आधार दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई को हमने h मान लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मान रखेंगे क्षेत्रफल दिया हुआ है 170.5 बराबर 1/2 आधार 22 गुणा ऊंचाई h। यहां से बच्चों मार पर गुणा करेंगे, 170.5 बराबर 1/2 गुणा 22 गुणा एच, ये था हमारे पास। इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है, 170.5 बराबर 2 से काट देंगे, ये आएगा 11, इधर आ जाएगा 11 गुणा एच, 11 एच। इसको हम लिख सकते हैं 11 एच बराबर 170.5, दाएं बाएं कर लिया इनको हमने दोनों को। यहां से हमारे पास एच आ जाएगा 170.5 भाग में 11, इसको हम 11 से काटेंगे, यहां से इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 170.5 बटे, दशमलव को हटा दिया, नीचे 10 आ जाएगा और 11 पहले से है, 11 से इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 11 एकम 11, एक सौ पचपन पे कट जाएगा ये पूरा पूरा। h का मान यहां से आ जाएगा 155 बटे 10 या 15.5। हमने क्या किया, नीचे 10 है, एक अंक के बाद क्या लगा दिया, दशमलव ऊंचाई। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं 5 से, 5 से काटेंगे तो भी इतना ही आएगा, 5 से काट दो, 31 नीचे 2, 31 को भाग करोगे, 31 को भाग करोगे 2 से तो भी 15.5 ही आएगा। तो किसी तरह भी आप इसको कर सकते हैं।